नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम टॉम साहब के पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर के और इस लेसन के लास्ट तक का वीडियो अपडेट कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे समझें। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम नाराज अवस्था में घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। एक हाथ में उसने एक लंबा सा ब्रश पकड़ा हुआ था। इन अदर और दूसरे हाथ में ही कैरीड अ बकेट। ही कैरीड ए बकेट विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश। दूसरे हाथ में एक बाल्टी जो सफेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम व्हाइट वॉश द फेंस। उसकी मौसी चार दीवारी की सफेदी के लिए उसे कही हुई थी, या उसकी मौसी उसे चार दीवारी की सफेदी करने के लिए बोल रही थी। टॉम लुक सैडली एट द फेंस। टॉम चार दीवारी की तरफ बड़ी ही नाराजगी पूर्वक देखा। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितना लंबा है। हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है। ही थॉट, उसने सोचा, इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट। वास्तव में इस चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट तथा इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड, और इसकी लंबाई 30 गज है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू व्हाइट वॉश। टॉम अपने उस ब्रश को व्हाइट वॉश में डुबो दिया। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसे अर्थात उस ब्रश को उस चार दीवारी के ऊपर स्लोली अर्थात धीरे से इस पार से उस पार चलाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, और इसके द्वारा अर्थात उस बस के ब्रश के द्वारा एक छोटा सा मार्क बन जाता है। टॉम ट्राइड अगेन, एक बार टॉम फिर कोशिश करता है। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, एक बार पुनः एक छोटा सा सफ़ेद चिन्ह बनता है। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली। टॉम धीरे से नीचे बैठ जाता है एंड साइड हैवली गहरी सांस लेता है। ही टुक आउट ऑल थिंग्स, उसने अपनी सारी चीज़ों को निकाल लिया। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसके पॉकेट में था। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सियों के कुछ टुकड़े थे। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, 2 और 3 टूटे फूटे खिलौने। नो वन विल बाइट पॉस द फेंस फॉर दिस, ही थॉट, उसने सोचा कि कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को लेकर सफेदी नहीं करेगा। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ बेटर प्लान, नहीं, मुझे इसके लिए एक बेटर प्लान सोचना होगा। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा। ही थॉट एंड थॉट का मतलब कंटिन्यू थॉट, सोचता रहा। सून ही हैड एन आइडिया, बहुत जल्दी उसके अंदर एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगन वर्किंग हार्ड, उसने अपने ब्रश को पुनः उठाया और तुरंत कठिन परिश्रम करना एक बार पुनः स्टार्ट कर दिया। बेन रोजर वॉज कमिंग डाउन टू द स्ट्रीट। बेन रोजर जो उसका मित्र था वह उसी गली से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने उसे बहाना बनाया न देखने का। मतलब टॉम ऐसा उस देखता है जैसे कि उसे देखता ही न हो, बहाना बनाता है। ही वर्क हार्डर देन एवर, वह सदैव से और कठिन परिश्रम करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एंड एप्पल्स, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक वेरी हैप्पी, वह बड़ी प्रसन्न चित दिखा। ही वॉज प्रिटेंडिंग, उसने बहाना बनाया था दैट ही वॉज ए बिग सिप, कि वह एक बड़े जहाज की तरह था। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वह उसकी तरह लुढ़कता हुआ नजर आ रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन लाउड वॉइस, वह अपने जोर भरी आवाजों में आदेश दे रहा था। एंड सिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपने आंखों को मसला। व्हाई टॉम, क्यों टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, उसने एक बड़े और महान आश्चर्य में कहा, चिल्लाया, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम, यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, मतलब टॉम से जो बेन कहता है कि तुम काम कर रहे हो, ऐसा लगता है बेन, मतलब टॉम सुनता नहीं है, लेकिन फिर बेन रिपीट करता है, मतलब उसी शब्द को बार 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 दोहराता है कि टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। ओ इट्स यू, अरे ये तुम हो बेन, अच्छा बेन तुम हो, मतलब टॉम फिर बोलता है कि अच्छा ये तुम हो, आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया।
आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं अभी स्विम के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं चलना चाहते हो? डू यू, क्या तुम चलना चाहते हो? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम काम करना पसंद करते हो? तुम चलना नहीं पसंद करते? दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली। टॉम ने शांतपूर्ण तरीके से कहा, दिस इज नॉट वर्क, ये कार्य नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और यह कहते हुए अपने चार दीवारी को अर्थात अपने चार दीवारी की सफेदी जारी रखता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम। थोड़ी देर बाद बेन ने एक्सक्लेम भी किया अर्थात आश्चर्यजनक शब्दों में कहा, नॉट वर्क, काम नहीं है? ओ नो आई लाइक इट, अरे नहीं मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, व्हाइट वॉशिंग अर्थात सफेदी करना एक मजा का कार्य है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश अ फेंस, तुमने कभी चार दीवारी की सफेदी नहीं किया? हैव यू, क्या तुमने किया है? वेल नो आई हैवंट, नहीं, अच्छा नहीं, आई हैवंट, मैंने नहीं किया। फॉर ए टाइम, एक समय के लिए बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, एक समय के लिए बेन वहां खड़ा हुआ और टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, लेकिन टॉम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसने अपना सारा ध्यान अपने कार्यों में दिया हुआ था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, लाओ मुझे भी थोड़ा वाइट वॉश, मुझे भी थोड़ा सफेदी करने दो। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चार दीवारी को अच्छी तरीके से और अच्छा सफेदी करने जा रहा हूँ। आई हैव प्रोमिस्ड अंट पोली, मैंने अंट पोली से वायदा किया है। बिसाइड इट इज इंटरेस्टिंग, और इसके अतिरिक्त यह रुचिकर भी है, आनंददायक भी है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेन बेग्ड। फिर थोड़ी देर बाद बेन ने विनती किया कि लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे भी थोड़ा करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, उसके बाद टॉम कहता है कि नो आई एम सॉरी बेन, बेन नहीं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माईसेल्फ, क्योंकि मेरे मौसी ने मुझे कहा है कि मुझे इसे स्वयं करना है। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करते हो, मतलब टॉम ने बेन से कहा कि यदि तुम इसे करते हो, यू विल मेक ए मिस्टेक, तुम इसे मिस्टेक कर दोगे, मतलब गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, हर चीज़ को तुम खराब कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अब यह अच्छा दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, फिर बेन कहता है कि आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि मुझे ऐसा करने देते हो तो मेरा, तुम्हारे पास एक एप्पल है, मतलब अब उसके पास जो एप्पल होता है, मतलब बेन के पास जो एप्पल होता है वो टॉम को दे देता है। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, धीरे से अनिच्छापूर्वक टॉम ने बेन को ब्रश हैंडेड कर दिया, मतलब दे दिया। बेन वर्क हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रीव हॉट, बहुत जल्दी उसे गर्मी उत्पन्न हो गई, मतलब गर्मी आ गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह कार्य जारी रखता है, मतलब बेन के अंदर गर्मी आ जाती है फिर भी वह कार्य जारी रखता है। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठा हुआ था, वॉचिंग एंड ईटिंग बेन सेप्पल, उसके कार्यों को अर्थात बेन जब कार्य कर रहा था उसके कार्यों को देखते हुए ईटिंग बेन सेप्पल, बेन के द्वारा दिए गए सेब को खा रहा था। अब When Ben had done enough, जब बेन ने पर्याप्त रूप से उस कार्य को किया, अदर बॉयज के मिलांग, तब तक उसके बीच दूसरे बच्चे भी आए। एट फर्स्ट दे लव दैट टॉम, पहली अवस्था जो पहली बार उसे देखते हैं तो वे सभी बच्चे टॉम के ऊपर हंसने लगते हैं। एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन ने किया था। बट सून दे वेयर वाइट वॉश द फेंस, लेकिन वे सभी मिलके, सभी लोग क्या कर रहे थे, बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन वे उस समय जल्दी ही वाइट वॉशिंग कर रहे थे। ऑफ कोर्स, निसंदेह वास्तव में दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, मतलब अब टॉम के ऊपर वे लोग, सभी लोग उस तरह का निगाहें डाल रहे थे, और फिर आकर के जैसे कि मतलब पहले हेल्प करने अर्थात पहले मदद करने से पहले वे सभी लोग उसको, मतलब उसके ऊपर निगाहें डाल रहे थे। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन लोगों ने उसे उसका उसकी सबसे अच्छी चीज़ें दिया। अब उसकी सबसे अच्छी चीज़ें क्या थी, 12 मार्बल्स, मतलब 12 कंचे की गोलियां। 18 सोल्जर, एक टीने की सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते की पतिया, द हैंडल ऑफ नाइफ, चाकू का हैंडल, मुठिया, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और
ऑरेंज अर्थात संतरे के चार टुकड़े। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम के पास एक आसान सा समय था, एक अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया, बट सून द फिंस हैड थ्री कोट ऑफ द व्हाइट वॉश ऑन इट, लेकिन बहुत जल्दी तीन कोट हो गया, अर्थात तीन परत उस व्हाइट वॉश के हो गए। अब देखिए बच्चों, न्यू मेडिसिन फॉर